विश्व युद्ध क्या होता है? जब दुनिया के कई देश दो गुट बनाकर आपस में लड़ते हैं तो उसे विश्व युद्ध कहा जाता है। पिछले दो विश्व युद्ध में यही देखा गया और इस बार यूक्रेन रूस युद्ध में भी कमोबेश कुछ ऐसा ही हो रहा है। यूक्रेन को 19 नेटो देश हथियार दे रहे हैं, तो अगला सवाल ये कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की अघोषित शुरुआत हो चुकी है? कीव से खार्किव तक कुछ यूं कांप रहा है यूक्रेन। रूसी मार का बारूदी ब्रह्मास्त्र महाविनाश का पर्याय बने हुए हैं। कहीं क्लस्टर बम कोहराम मचा रहा है तो कहीं ड्रोन दुश्मन को ध्वस्त कर रहा है। बड़ी बड़ी इमारतों पर आसमान से बारूद बरस रहा है। कहीं अस्पताल कब्रिस्तान बन चुका है, कहीं टैंक फाइटर जेट उड़ाए जा रहे हैं। यूक्रेन की इंच इंच सरजमी थर्रा रही है, गली गली मौत घूम रही है। यूक्रेन की एक एक पीढ़ी पहली बार ऐसे बारूदी मंजर से साक्षात्कार कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण महायुद्ध के सातवें दिन सवाल उठ रहे हैं, क्या यूक्रेन के बहाने रूस फाइनल वॉर लड़ रहा है? क्या अब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? क्या परमाणु बम का हमला भी तय हो चुका है? ये सवाल बेवजह नहीं उठाए जा रहे। इसकी दो वजहें हैं। पहली, यूक्रेन के बहाने रूस के दुश्मन देशों की गोलबंदी, और दूसरी, पुतिन के लेफ्टिनेंट का बारूदी बयान। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि विश्व युद्ध के अलावा प्रतिबंधों का कोई तीसरा विकल्प नहीं है। तीसरा विश्व युद्ध प्रचंड विनाशकारी होगा। तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल होगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर और एटमी अटैक को लेकर पुतिन के मंत्री ने ये बातें तब कही हैं जब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ साथ ब्रिटेन भी लगातार रूस पर प्रतिबंधों का प्रहार कर रहा है। अलग अलग देश किश्तों में रूस को बैन की बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि हवाई स्पेस पर भी प्रतिबंध लग चुका है। जाहिर है रूसी मंत्री के बयान को प्रतिबंध से जोड़कर जो संकेत मिल रहे हैं उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या तीसरे विश्व युद्ध का पहला राउंड शुरू हो चुका है? दूसरा बड़ा संकेत यह है कि रूस के विरुद्ध 30 मुल्क न सिर्फ फिर से गोलबंद हो रहे हैं बल्कि यूक्रेन की परोक्ष रूप से मदद भी कर रहे हैं। तुर्की ने यूक्रेन को फिर नए ड्रोन दिए हैं। पोलैंड ने भी यूक्रेन को हथियार दिया है। ईयू ने 70 फाइटर जेट यूक्रेन की मदद के लिए भेजे हैं। ब्रिटेन ने डिफेंस वेपन सिस्टम दिया है। कुल मिलाकर रूस के तमाम दुश्मन यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। रूस के साथ भी बेलारूस खुलकर खड़ा है, चेचन ने खड़ा है, चाइना भी सपोर्ट कर रहा है। यानी यूक्रेन और रूस के बहाने दुनिया आक्रामक अंदाज में जिस तरह से दो धड़ों में गोलबंद हो रही है उसे देखकर ही ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या विश्व युद्ध का पहला राउंड शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।